हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जो बनने वाला कंपाउंड है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इन रिएक्टेंट की रिएक्शन से बॉन्ड बन भी सकता है और बॉन्ड टूट भी सकता है। दोनों प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शंस में ही आएंगी। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होता है तो वो दोनों मॉलिक्यूल मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जब कंपाउंड बन रहा है तो एक बॉन्ड फॉर्मेट होता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। ये भी एक केमिकल प्रोसेस होती है। और अगर कोई कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेशन जो है केमिकल रिएक्शंस में आएंगी। जो ए और बी रिएक्टेंट हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। इन केमिकल रिएक्शंस की चार प्रॉपर्टी होती हैं: प्रोडक्शन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, हीट चेंजेस और प्रेसिपिटेशन। इन चारों प्रॉपर्टीज से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। केमिकल रिएक्शंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन ऑफ गैस। जब हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, केरोसिन हो, कोयला हो, तो उनमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एयर से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी। जब हम किसी कोयले को जलाते हैं तो जो गैस जनरेट होती है, जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है CO2। इसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। अगर किसी चीज़ में कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आपने देखा होगा जब हम किसी फ्रूट को काटते हैं तो अगर वो थोड़ी देर तक पड़ा रहता है तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल को हमने काटा और हमने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो एप्पल में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। एप्पल में क्या होता है? आयरन होता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe। जब Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसके साथ जब वो आयरन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण एप्पल का कलर चेंज हो जाता है। तो एप्पल का कलर चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट चेंजेस। जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर एकदम ठंडा हो जाता है, मतलब उसका जो हीट है वो चेंज हो जाएगी और वो कूल हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन। जब भी हम हाथ धोते हैं साबुन से तब वहाँ झाग जैसे बन जाते हैं, उन झाग को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शंस के कारण बोलते हैं, यह भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन मोस्टली 6 टाइप की होती है: एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई कंपाउंड टूटता है
तो वो जितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है वो सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl, NaCl जब टूटेगा तो Cl मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और Na मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। Na यहाँ पे सोडियम है और Cl क्लोरीन। नेक्स्ट है कम्बस्टन रिएक्शन। कम्बस्टन रिएक्शन में जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जैसे CH और O2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। HCl यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोराइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्ट करेगा तो NaCl बनता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस रिएक्शन से एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल या दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आयरन जलता है, लोहा जलता है, तो उससे बहुत सारी स्पार्कलिंग फ्लेम निकलती है और फेरिक ऑक्साइड बनता है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो जलेगा, जलने के लिए कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जिसको Fe3O4 कहते हैं। इसमें आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब कोई कंपाउंड टूटता है तो जितने मॉलिक्यूल्स या जितने एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक इंटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे शरीर में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें बड़े बड़े जो कंपाउंड्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उनका डिसोसिएशन हो जाता है, तो वहाँ भी डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम हीट देते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फर्स्ट CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, और दूसरा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज लाइम वाटर इज मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इट। जब हम लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल स्क्वायर। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो ये मिल्की कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और एक एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस पर पास करवाएंगे तो ये मिल्की हो जाएगा, दूध जैसी रंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इनकी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यही रीज़न है कि जब हम लाइम वाटर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब कोई कंपाउंड एक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
तो हम ऐसी प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव कंपाउंड डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ हम इंडेक्स में देखते हैं जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वहीं प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन पे रस्टिंग नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसकी जगह आ जाता है। पोटेशियम और सोडियम एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं क्योंकि ये पानी से भी रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं और तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर सल्फेट का। जब जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। लेकिन जब हम कॉपर की जिंक सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी और रिडक्शन रिएक्शंस भी होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, देन हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगी जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और रिडक्शन रिएक्शन तब होगी जब ऑक्सीजन का लॉस होगा। इस पूरे प्रोसेस को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्साइड इज कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन क्या होगी, कंज्यूम होगी, एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, और हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल दे रखे हैं, जब हम कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। जहाँ पर भी ऑक्साइड बनता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मैथेन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब मैथेन को हम गर्म करेंगे तो वो कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर देंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, इसमें ऑक्सीजन हट जाएंगी, एंड हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड, और हाइड्रोजन क्या बना लेगा, कंज्यूम हो जाएगा, और जो प्रोसेस होगी उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जब हम कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगी और वाटर बन जाएगा, तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी पेंट आयरन मटेरियल्स, हम आयरन मटेरियल्स को पेंट करके क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसको रस्टिंग से बचाना होता है, उस पर जंग ना लगे, इसलिए हम उनको पेंट करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। आयरन की रस्टिंग भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि उस पर आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेता है, और ये ऑक्साइड वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जंग लग जाती है, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। इस रस्टिंग से बचाने के लिए ही हम इनको पेंट करके रखते हैं। आयरन मटेरियल्स पर हम उन एलिमेंट्स की कोटिंग करेंगे या पेंट करेंगे जो क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, जो आसानी से रिएक्ट ना करते हो, तभी हम उनको रस्टिंग से बचा पाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है और वो दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका जो पीएच लेवल है वो ज़ीरो हो जाता है, इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनते हैं, और प्रोडक्ट के रूप में हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की
बेस से रिएक्शन करवाएंगे, हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है, जब कोई रिएक्शन होती है वहाँ पर हीट को अब्सॉर्ब किया जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही हो, हीट रिलीज हो रही हो, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। एनर्जी इज कंजर्व इन केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है, या तो रिलीज हो जाएगी या अब्सॉर्ब हो जाएगी। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है। द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से ज़्यादा कूल होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक जो है वो हॉटर होगी सराउंडिंग से। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट अब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये बाहर के जो सराउंडिंग एरिया है उससे हीट को अब्सॉर्ब करती है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो भी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को रिलीज करती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि यह हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो जब भी होंगी तब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इज इंक्रीजेज विथ प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो एंथैल्पी का है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से। नेक्स्ट डिफरेंस है चेंज इन एंथैल्पी। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्सोथर्मिक की जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएंगी। नेक्स्ट डिफरेंस है एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किसी कंपाउंड का वाटर में घुलना। तो अगर कोई कंपाउंड वाटर में घुल रहा है और डिकम्पोज हो रहा है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। सेकंड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्म ऑफ एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये एक बेसिक नेचर का होता है। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, ये हमारे इनों में भी होता है। हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा होने के कारण होती है। तो जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है और वो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस से था। नेक्स्ट है जो कार के एयर बैग्स होते हैं उनमें क्या भरा होता है, सॉल्ट सोडियम एजाइड भरा होता है जो बहुत ही जहरीला होता है। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, और न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती है।
और हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह की प्रोसेस होती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर जो रस्टिंग होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही होती है। और हमने पढ़ा कि जब हम कोई फ्यूल, चाहे वो केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कॉइल हो, इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्योंकि फ्यूल्स में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन जब होगी तो बॉन्ड बन भी सकता है और बॉन्ड टूट भी सकता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिसोशिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।